मैम यहाँ पे अभी जाते हैं। अजय कैमरा पीछे लेना। कैमरा क्यों हिला रहा है? चले वेट 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 हाँ साथ में आइए ना भी। थैंक यू सो मच। ये मेरा सपना, मेरा बचपन का सपना था। तो मुझे बचपन से ये था कि मैं अपनी कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूं। तो मैं जब लंदन से इंडिया आई तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मिसेस यूनिवर्स के थ्रू अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। तो मैं वहां पर गई, उसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। और उसकी हम फोर्थ मंथ से उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। ये नहीं कि आपने कोई भी सपना देखा और आप गए और आपका सपना पूरा हो गया। बट आपको किसी भी चीज़ को करने की चाह होती है तो कहते हैं कि आपको उस चीज़ को पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो मैं सोफिया बुल्गारिया में अभी मिसेस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट किया और मुझे वहाँ पे टॉप सिक्स मिला। तो इस जर्नी में क्या मोटिवेट किया आपने, जो ब्यूटी पेजेंट में जब से आपने हिस्सा लेना शुरू किया, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती थी इस जर्नी में? मुझे मोटिवेट ये करती थी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपकी कोई एज नहीं होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी फैमिली का साथ हो तो आप अपने सपनों को पूरा करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। हर चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये नहीं कर सकते कह सकते कि आपको हार्ड वर्क और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अब तक कितने टाइटल्स जीत चुकी हैं आप? मैंने इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। उसके बाद मुझे बियॉन्ड डिस्टेंट रीच का मिला, फिर मैंने मिसेस यूनिवर्स इंडोनेशिया जीता और अभी मुझे मिसेस यूनिवर्स टॉप सिक्स का मिला और मिसेस सक्सेसफुल का भी मिला मुझे वहाँ पे। मेरी अपॉर्चुनिटी मिसेस इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर से ही स्टार्ट हो गई थी। फिर मुझे बहुत सारे शूट्स, मूवीज़ और ये सारी चीज़ों के बहुत सारे, लेकिन मेरे को ये था कि नहीं, मुझे अभी मूवीज़ में नहीं जाना है, मुझे और भी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो मैं अभी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि मुझे किस में जाना है, क्या करना है। अभी जैसे मुझे जज के लिए अभी आते हैं कि कोई भी पैजेंट शो या फैशन शो होता है, तो मैं अभी उसके लिए जा रही हूँ। अभी यहाँ से जाने के बाद मैं वहीं पे जाऊँगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी का आप ये नहीं कह सकते कि एक के बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट आप मैं फैशन इंडस्ट्री में ही कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। ऑल्सो आप एक मिसेज है, फैमिली कितना सपोर्ट करती है? फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नी में, आप बताइए आपकी फैमिली कैसे सपोर्ट करती है? मेरी फैमिली की वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। कहते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ और भी आसान हो जाती है अगर आपकी फैमिली, आपके लॉज आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। और इस पेजेंट की अगर बात करें, क्या फेवरेट मेमोरीज, क्या
मोमेंट्स थे, अगर उस मोमेंट्स के बारे में शेयर करना चाहें, मेमोरीज के बारे में शेयर करना चाहें। ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जब हम एक प्लेटफॉर्म पे पूरे कंट्री के लोगों के साथ एक साथ मिलते हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हमें लगता है कि नहीं हमारी कंट्री, जब हम बाकी कंट्रियों को देखते हैं कि वो कंट्री क्यों इतनी आगे हैं, तो मुझे लगता है हमारी कंट्री में भी वो सारी क्वालिटीज़ है कि हम भी टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो वो चीज़ें जब आप पूरी कंट्री के साथ एक साथ मिलते हैं, जब आप कभी उनसे मिले ही नहीं या उनसे मतलब आपको उनकी क्वालिटीज़ पता ही नहीं चली, तो आप एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर आपको भी लगता है कि नहीं हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं, हम भी टॉप पर आ सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने सीखी। तो क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले जो एंटरटेनमेंट है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या मोटो है ऑडिशियस का, और थोड़ा सा अगर उस बारे में बताया और जर्नी के बारे में बताया। डेफिनेटली, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सो मैंने जब ऑडिशियस लॉन्च किया था तो मैं एक पैजेंट कोच की तरह, क्योंकि मेरा खुद का पैजेंट बैकग्राउंड है, 10 साल से मैंने मॉडलिंग किया है, मिस इंडिया में मैं मिस इंडिया गोवा जीत चुकी हूँ, मैं फाइनलिस्ट थी मिस इंडिया में 2017। और क्योंकि जैसे प्रिया ने कहा कि मेहनत बहुत लगती है, तो मैंने 7 साल ट्रेनिंग किया था और बचपन से ट्रेनिंग करते हुए आई थी। सो मैंने रियलाइज़ किया कि इतने लोगों से जब आप सीखते हो तो आगे वो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। एंड दैट्स व्हेन ऑडिशियस अकेडमी शुरू हुआ था, जहाँ पर मैं प्रिया से भी मिली क्योंकि मैं इनकी मेंटोर थी। एंड मैंने बहुत सारे मिसेस कंटेस्टेंट्स को ज़्यादा ट्रेन किया था। तब मैंने देखा कि मिसेस के जो कैटेगरी होती है, क्योंकि हमने देखा है मिस इंडिया बहुत, मिस कैटेगरी बहुत आगे जा रही है, बट मिसेस कैटेगरी के लिए क्या, बिकॉज इनकी जो कैटेगरी है ये बहुत स्ट्रगल्स के साथ भी आती है, क्योंकि आपके पास आपका फैमिली है जिनको आपको संभालना है, आप एक वर्किंग वुमन हो जहाँ पर आप यू नो घर और आप बाहर का काम भी संभाल रहे हो प्लस बच्चे भी संभाल रहे हो, बट आपकी जो ड्रीम है, ख्वाहिश है, वो आप कहीं ना कहीं दबा कर उसे रखते हो। तो हेंस मुझे एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी शुरू करना था, जहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि पैजेंट जो मिसेस की कैटेगरी है उनके लिए आगे ये इंडस्ट्री में आगे कहीं ना कहीं टू गिव देम मोर अपॉर्चुनिटीज। एंड दैट्स व्हेन ऑडिशियस एंटरटेनमेंट केम इन। सो वी लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आगे बहुत सारे ऐसे औरतों को अपॉर्चुनिटीज दे और एम्पावर करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ द होल गोल नाउ। सो जब प्रिया मुझे मिली थी, प्रिया एक्चुअली लंदन से है, वो शादी करके लंदन में रह रही थी, लंदन से फिर वो अभी गोवा में रह रही है। एंड द कनेक्शन, क्योंकि मैं खुद एक गोवन हूँ, तो द कनेक्शन स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड मैंने देखा कि प्रिया में वो सीन जो होता है, एक चाह होती है टू डू समथिंग फॉर द कंट्री वॉज देयर। तो तब मैंने बोला कि लेट्स ट्राई वर्किंग टुगेदर। एंड एज जैसे मैंने कहा कि ऑडिशियस एंटरटेनमेंट एक टैलेंट हाउस के तरफ चल रहा है, तो मैंने प्रिया को बोला लेट्स डू दिस। अभी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहे हैं, अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमने अभी शुरू की है, बट डेफिनेटली अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम शायद ये डिस्कस करें एंड आपको तभी पता चलेगा कि हम किस चीज़ पे काम करें। बट डेफिनेटली देर इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट, बिकॉज लाइक प्रिया सेड कि ये सोशल भी हो सकता है एंड ये सोशल मीडिया पे इनका रीच भी बहुत अच्छा है, मोर देन 1 मिलियन पीपल फॉलो हर ऑन सोशल मीडिया। तो लेट्स सी एज अ वुमेन एंड अ मिसेस कैटेगरी कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, एंड देर इज़ डेफिनेटली समथिंग कमिंग अप। प्रिया, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे ऑडियो ने बताया कि एक बहुत ही जल्दी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, आप जो एक इन्फ्लुएंसर भी है, एक मॉडल भी है, कैसे मैनेज करती है इन सारी चीज़ों को? मतलब आप जब सोशल मीडिया पे होते हैं, डजंट मैटर कि आप मॉडल हैं या पेजेंट इंडस्ट्री से आएँ, तो आपको लोग एक टाइटल देते हैं इन्फ्लुएंसर का, कंटेंट क्रिएटर का। तो मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रही हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है। अभी मेरा मिसेस यूनिवर्स फिनिश हुआ है, तो अभी आगे नहीं कह सकते कि अभी क्या क्या प्रोजेक्ट करने हैं, बट हाँ बहुत सारे लाइनअप पे हैं। देन अभी क्या करना है वो आपके सामने, फिर हमारा कॉन्फ्रेंस होगा तो हम उस पर बात कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगा कि पेजेंट्स तो हो ही रहे, क्या फिल्मों में कोई प्रोजेक्ट्स, म्यूजिक वीडियोस, ऐसा कुछ प्लान्स है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें आप? अभी तो फ्यूचर में क्या होगा, एनीथिंग हैपन। हम अभी फ्यूचर की बातें, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, अभी बहुत सारी चीज़ें लाइनअप है और अभी कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं हुई है, तो मैं अभी बता नहीं सकती कि अभी क्या होने वाला है फ्यूचर में, बट एनीथिंग कैन हैपन। ऑल्सो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको एक इन्फ्लुएंसर है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, जो मिसेज आपको देख रही है,
मैं अपने फॉलोअर्स और सारी मिसेस को यही कहना चाहूँगी कि मैं आपके वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं आपको ऐसे ही इंटरटेन करती रहूँगी और ऐसे ही मोटिवेट करती रहूँगी कि हम शादी या शादी के बाद से ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अपने सपने नहीं देख सकते और उनको पूरा नहीं कर सकते। वी ऑल्सो हैव अ राइट कि मतलब इवन आप फैमिली, आप जब शादी के बाद मुझे लगता है मैं और भी स्ट्रांग हो गई, जब आपकी फैमिली, आपकी इन लॉज, आपका आपका खुद का बच्चा आपको सपोर्ट करता है, तो मुझे लगता है कि आप उस लेवल पे पहुंचते हो कि जहाँ पे आप शादी से पहले नहीं सो सकते। तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को ऐसी मोटिवेट करती रहूँगी कि हमें भी करना चाहिए, शादी के बाद भी हमें अपने सपनों को नहीं रोकना चाहिए या कि हम नहीं कर सकते हैं। आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मिसेस आपको देख रही है और बहुत सारे जो मॉडल्स आपको देख रही है? सो मॉडल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमने बहुत क्रिएट की है, हमने बहुत काम किया है, जहाँ पर मेरे टैलेंट्स को मैंने काम दिया है आगे मिसेस कैटेगरी में भी, एंड ऑफकोर्स मॉडल्स हु कम आउट ऑफ इंडिया उन लोगों को भी, बट मैं मिसेस कैटेगरी के लिए क्योंकि स्पेशली मैं वो एस स्पेस में मैं ज़्यादा एस करती हूँ अभी। सो मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है बहुत सारे आपके प्रेशर होते हैं, आप में बहुत इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बट अगर आप में चाह है और आपने वो ड्रीम किया है कि आपको करना है, तो लाइफ में एक चांस दीजिए खुद को एक मिसेस कैटेगरी पैजेंट में जाकर, क्योंकि लाइफ में आपको रिग्रेट नहीं करना है कि काश मैं कर पाती, तो वो काश नहीं कहना है। इनफैक्ट आगे बढ़ के आपको किसी और के लिए, जैसे प्रिया किसी और के लिए आज एक मोटिवेशन हो सकती है, एक आवाज़ हो सकती है, सिमिलरली ऐसे 10 औरतें जब साथ में आएगी तो दे ऑल कैन बी अ वॉइस फॉर द जेनरेशन फॉलोइंग देम। सो आई थिंक गो अहेड, ड्रीम बिग एंड अचीव इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, एंड आप ऐसे ही आते रहिए डेफिनेटली।